चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। इसमें हम लोग कक्षा 11वीं की जो राजनीतिक सिद्धांत है, पॉलिटिकल थ्योरी है, इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें आपके अभी तक हम लोग 7 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, और इससे पहले आपकी कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की वो सभी बुक्स जो आपकी सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस के लिए जरूरी है, उन्हें कंप्लीट करवा दिया गया है। उन सब की पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई थी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। और इसकी अगर वीडियो क्लासों की बात करें तो ये प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से, उसी में सभी क्लासें डली हुई है। एक बात और हमेशा याद रखिए, मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है, एक तरह से आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। आपकी समस्या सिर्फ इतनी थी कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ मिलेंगी, तो इसका समाधान कर दिया गया। उन सब की पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से आप लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिएगा। और आप सभी जानते हैं कि बिना एनसीईआरटी के कुछ नहीं उखड़ने वाला है, तो इसीलिए समय रहते हुए 1 से 2 बार कम से कम पढ़ लें उन्हें, ठीक है। और आज हम बात करेंगे धर्म निरपेक्षता के बारे में। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में हमें जानना चाहिए। एक बात आप लोगों ने देखा होगा, उद्देशिका में भी आप देखते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समझ रहे हैं, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म धर्म समझ रहे, और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख यानी कि 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। एक बात और बताऊं आपको, 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ ये लागू हो चुका था, लेकिन पूरी तरह से गणतंत्र एक तरह से बना हमारा देश कब, 26 जनवरी 1950 को। और आप लोगों को मालूम होगा वैसे कि 42वें संविधान संशोधन, एक बहुत बड़ा संशोधन किया गया था इसमें, इसीलिए आप देखते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 42वें संविधान संशोधन। ये 1976 में हुआ था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बन जाता है। और इसमें एक भी ये भी बन जाता है कि कौन 3 शब्द जोड़े गए थे इसके तहत, तो आपने देखा होगा पंथ निरपेक्षता और समाजवादी और अखंडता, ये आपके 1976 में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब आपके ये मन में आता होगा कि धर्म निरपेक्षता क्या होता है, पंथ निरपेक्षता क्या होता है, तो सीधा सा एक सरल शब्दों में अगर आपको बताना है कि धर्म निरपेक्षता क्या है, तो राज्य, राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव ना करे। कहने का मतलब है कि सरकार का एक कर्तव्य भी है कि वो ना तो किसी धर्म को ऊपर उठाए ना नीचे गिराए, वो न्यूट्रल होकर एक तरह से सभी धर्म को मानने की एक तरह सम्मान करे। ये अलग बात है कि हमारे अभी के नेता इसे अलग अंदाज से देखते रहते हैं, उन्हें सिर्फ वोट बैंक से मतलब रहता है, इसलिए दूसरे के धर्म को गाली देना, दूसरे के धर्म को ऊपर उठाना, ये चलता रहता है। और धर्म निरपेक्षता का अर्थ किसी धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरा पूरी आजादी से मानने की छूट भी दी जाती है। और इसीलिए आप देखते हैं कि भाग 3 में आपके मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार भी आपको दिए गए हैं, ये 25 से आर्टिकल 28 तक उसमें वर्णन व्याख्या की गई है, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं, ये तो प्रीलिम्स के लिए एक तरह से फैक्ट हो चुके हैं जो डायरेक्ट बन जाते हैं, या आपके वनडे एग्जाम में भी आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेता है। धर्म निरपेक्षता, कभी कभी बड़ा प्रॉब्लम करने लग, धर्म निरपेक्षता, जब विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में साथ साथ रहते हों तो लोकतांत्रिक राज्य उनमें से प्रत्येक के लिए समानता की गारंटी कैसे करें। पिछले अध्याय में यही सवाल सामने आया था, इस अध्याय में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब देने में धर्म निरपेक्षता की अवधारणा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। भारत में धर्म निरपेक्षता का विचार सार्वजनिक वाद विवादों और परिचर्चाओं में सदियों मौजूद रहा है, फिर भी जहां यहां धर्म निरपेक्षता की स्थिति को लेकर कुछ मामले काफी पेचीदा हैं। एक ओर तो आमतौर पर हर राजनेता इसकी शपथ लेता है,
हर राजनीतिक दल धर्म निरपेक्ष होने की घोषणा करता है, दूसरी ओर आप देखेंगे कि तमाम किस्म की चिंताएं और संदेह धर्म निरपेक्षता को घेरे रहते हैं। पुरोहितों और धार्मिक राष्ट्रवादियों द्वारा ही नहीं, कुछ राजनीतिज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं, यहां तक कि शिक्षाविदों द्वारा भी धर्म निरपेक्षता का विरोध किया जाता है। इस अध्याय में हम नीचे लिखे कुछ सवालों को प्रश्न पूछकर इससे इस जारी विमर्श में शामिल होंगे। क्या यह उन समाजों के लिए उपयुक्त है जिनमें धर्म का आज भी लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर गहरा असर है? क्या धर्म निरपेक्षता भारतीय मिट्टी में रोपा गया एक पश्चिमी पौधा है? क्या धर्म निरपेक्षता में पक्षपात की चिन्ह है? क्या इससे अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण होता है? क्या यह धर्म विरोधी है? इस अध्याय के अंत में आप भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में धर्म निरपेक्षता के महत्व को जानने, समझने और भारतीय धर्म निरपेक्षता की विशिष्टता के बारे में कुछ सीखने में समर्थ होंगे। इनके आपको एक तरह से उत्तर भी मिल जाएंगे। एक बात और याद रखिए आप लोग कि अगर कोई सरकार ऐसी आए जो धर्म के बारे में एक तरह से भेदभाव करे तो देश की एकता, अखंडता और शांति भी भंग कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे दूसरे के धर्म को आप सम्मान नहीं करेंगे तो उसके भाव में एक तरह से उसका महत्व, आप समझ रहे हैं, उसका सम्मान को एक तरह से ठेस पहुंचेगा। और ये हमारे राजनेताओं द्वारा होता है। जब अभी अभी देखा होगा आपने, प्रधानमंत्री ने जब अयोध्या गए तब भी ये मामला उठने लगा था। कई लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, उन्होंने कहा व्यक्तिगत रूप से मैं वहां गया था, ना कि मैं एक तरह से प्रधानमंत्री के रूम में, समझ रहे हैं? क्योंकि मतलब एक तरह से आप सोचिए, दूसरे धर्म को एक तरह से नीचा लगता है, एक तरह से आप ये कि अपने सम्मान को वो हीन भावना से देखने लगते हैं। और कई आप सुनते भी रहते हैं, शिक्षा जो शिक्षक होते हैं वो भी इस तरह की भावनाएं रखते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी देखते हैं आप लोग कि अपने एक तरह से जात पात को लेकर वो काम करते हैं, तो ये भी देखने को आपको मिलता है। अब बात करते हैं धर्म निरपेक्षता क्या है आखिर। यद्यपि यहूदियों को समस्त यूरोप में सदियों तक भेदभाव झेलना पड़ा था, मगर वर्तमान इजराइल राष्ट्र में ईसाई और मुसलमान दोनों ही अरब अरबी अल्पसंख्यक हैं। वे उन राजनीतिक आर्थिक लाभों से वंचित हैं जो यहूदी नागरिकों को मिले हुए हैं। यूरोप के अनेक हिस्सों में गैर ईसाइयों के प्रति भेदभाव के सूक्ष्म रूप अभी भी बरकरार है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस तरह के उदाहरण हमें समकालीन विश्व में धर्मनिरपेक्षता के महत्व की याद दिलाते हैं। हमारे देश में आप देखिए काफी हद तक आपको देखने को मिलेगा कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, बुद्ध, कुछ भी हैं, जैन हो, आपको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आप अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं आपका बस, लेकिन वो आपका संगठन ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाए। लेकिन आप पड़ोसी पाकिस्तान में जाइए, आपने देखा है कि बंटवारे के समय 1947 में एक बहुत बड़ी हिंदुओं की संख्या पाकिस्तान गई हुई थी, और आज आपको देखने को मिलेगा कि ना के बराबर है वहां। कहाँ गए आखिर ये लोग? तो वहां इस तरह की भावनाएं आप देखिए कि नहीं है। धर्म निरपेक्षता, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नहीं कह सकते हम उसे। धर्मों के बीच वर्चस्ववाद की बात करें तो हमारे अपने देश में संविधान घोषणा करता है कि हर नागरिक, भारतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में आजादी और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है, मगर वास्तव में वर्जना और भेदभाव के अनेक रूप अभी भी बरकरार हैं। ये भी आपको देखने को मिलते रहते हैं। नीचे दिए गए तीन उदाहरणों पर गौर करें। 1984 में दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में लगभग 2700 यानी कि 2700 से ज्यादा सिख मारे गए। ये इंदिरा गांधी की डेथ की बात कर रहा हूं। पीड़ितों के परिवार जनों का मानना है कि दोषियों को आज तक सजा नहीं मिली है। उस समय देखिए सरकार, मैं कह रहा हूं ना कि हमारा संविधान तो सबको एक तरह से बराबर रखने की बात करता है, लेकिन ये नेता जो होते हैं ये अपने वोट बैंक के लिए, अपनी मतलब के लिए, मतलब की राजनीति के लिए ये खाई बढ़ा देते हैं। वरना आप सोचिए कई हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा कि हिंदुओं ने, हिंदू परिवार मुस्लिमों की एक तरह से मदद करते हैं, वो मुस्लिम हिंदुओं की मदद करते हैं, कई जगह आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। लेकिन नेता क्या करते हैं कि इस खाई को बढ़ाने की बात करते हैं। इससे क्या होगा कि एक खास समूह का वोट मिल जाए उन्हें और उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे। हजारों कश्मीरी पंडितों को घाटी में अपना घर छोड़ने के लिए विवश किया गया। वे 2 दशकों के बाद भी अपने घर नहीं लौट सके। 2002 में गुजरात में गोधरा दंगों के पश्चात लगभग 1000 से अधिक लोग मुख्यतः मुसलमान मारे गए। इस परिवार के जीवित बचे हुए बहुत से सदस्य अपने गांव वापस नहीं जा सके जहां से भी उजाड़ दिए गए थे। तो इस तरह की घटना आपको कई बार देखने को मिल जाएगी, कई शहरों में हमारे देश में भी देखने को मिल जाएगा। इन तमाम उदाहरणों में क्या बात सामान्य है? इन सभी उदाहरणों में किसी ना किसी रूप में भेदभाव है। हर मामले में किसी एक धार्मिक समुदाय के लोगों को लक्ष्य किया गया
और उनकी धार्मिक पहचान के कारण सताया गया। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो नागरिकों के एक समूह को बुनियादी आजादी से वंचित किया गया। और यह भी कहा जा सकता है कि ये सारे उदाहरण अंतर्धार्मिक वर्चस्व और एक धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के उत्पीड़न के मामले हैं। धर्म निरपेक्षता को सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख रूप से ऐसा सिद्धांत समझा जाना चाहिए जो अंतर्धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है। हालांकि यह धर्म निरपेक्षता की अवधारणा के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। धर्म निरपेक्षता का इतना ही महत्वपूर्ण दूसरा पहलू अंतर्धार्मिक वर्चस्व यानी धर्म के अंदर छुपे वर्चस्व का विरोध करना है। आइए हम इस पर मुद्दे पर और भी विचार करते हैं। धर्म के अंदर वर्चस्व, कुछ लोगों का मानना है कि धर्म महज जन समुदाय के लिए अफीम है। और अफीम आप समझ रहे हैं, जैसे दिन सभी लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, वे खुशहाल तथा संतुष्ट जीवन यापन करने लगेंगे, धर्म विलुप्त हो जाएगा। ऐसा विचार मानव की क्षमता के बारे में अति रंजित बोध से पैदा होता है। यह संभावना से परे है कि मनुष्य कभी भी प्रकृति को पूरी तरह जान पाने, उसे नियंत्रित करने में समर्थ हो जाएगा। हम अपना जीवन काल तो बढ़ा सकते हैं, मगर अमर कभी नहीं हो सकते हैं। ना तो रोगों का कभी पूरी तरह उन्मूलन यानी कि खत्म हो सकते हैं, और ना ही हम अपनी जिंदगी में दुर्घटना और भाग्य के तत्वों से छुटकारा ही पा सकते हैं। अलगाव और हानि मानव स्थिति के अभिन्न अंग है। हमारे अधिकांश दुख दर्द मानव निर्मित हैं, इसलिए उनका अंत तो हो सकता है, लेकिन कुछ कष्ट मानव निर्मित नहीं है। धर्म कला दर्शन ऐसे दुख दर्दों की सटीक प्रत्युत्तर है, और धर्म निरपेक्षता भी इसे स्वीकार करती है, और इसलिए वह धर्म विरोधी नहीं है। एक बात और आपको याद रखनी चाहिए कि अभी किसी ही दिन पहले की बात थी कि मैं जापान के प्रधानमंत्री के राष्ट्र प्रमुख के बारे में पढ़ रहा था, तो उन्होंने एक अच्छी बात कही थी। क्योंकि आप जानते हैं कि 1945 में अमेरिका के द्वारा दो परमाणु बम गिराए गए थे, समझ रहे हैं, जापान में। उसके बाद भी आप देखिए कि विकसित देशों की सूची में जा खड़ा हुआ जापान, इसका मेन कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि एकता हमारे यहाँ कोई धर्म में नहीं बटा हुआ है, एक तरह से वो देशभक्ति। हमारे यहाँ देखते हैं आप लोग की आंदोलन होता है, कोई तो क्या करते हैं, सरकारी संपत्ति को जलाने लगते हैं। और आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि आपके मौलिक कर्तव्यों में आपको बताया गया है कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करें, देश के प्रति एक तरह से भक्ति भावना रखें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसका भुगतान किसे करना पड़ता है, हमें खुद। लेकिन जापान में आप देखेंगे इससे हटकर है, वहां ना तो जाति पात में लड़ाई हो रही है। और हमारे देश को अगर पीछे ढकेलने का कोई कारण है तो यही मेन कारण कह सकते हैं आप लोग, कि हम हिंदू मुस्लिम में लड़ते रह गए और नेता अपनी रोटियां सहकते रह गए, और शिक्षा स्वास्थ्य का अभी भी अभाव है, और अभी भी यही मुद्दे बने हुए हैं कि गरीबी हटाओ, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, रोड सड़क में इस तरह की बातें, पानी बिजली, ये तो बहुत पहले होने चाहिए। 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं, दो देश दुनिया कहां जा रही है और हमारा देश कहां रह गए, समझ रहे हैं? बहरहाल जिन समस्याओं ने गहरे जड़ जमा रखे हैं उनमें धर्म का भी कुछ योगदान है। उदाहरण के लिए किसी ऐसे धर्म के बारे में सोचना भी मुश्किल है जो पुरुष और स्त्री को समान नजर से देखता हो। हिंदू धर्म में कुछ तबके भेदभाव से स्थायी तौर पर पीड़ित रहे हैं। मसलन दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश से हमेशा रोका जाता रहा है। देश के कुछ हिस्सों में हिंदू महिलाओं का भी मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। जब कोई धर्म एक संगठन में बदलता है तो आमतौर पर इसका सर्वाधिक रूढ़िवादी हिस्सा इस पर हावी हो जाता है, जो किसी किस्म की असहमति बर्दाश्त नहीं करता है। अमेरिका के कुछ हिस्सों में धार्मिक रूढ़िवाद बड़ी समस्या बन गया है, जो देश के अंदर भी शांति के लिए खतरा पैदा कर रहा है और बाहर भी। कई धर्म संप्रदायों में टूट जाते हैं और निरंतर आपसी हिंसा तथा भिन्न मत रखने वाले अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में लगे रहते हैं। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि हमारे न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर को लेकर एक निर्णय दिया था। उसमें आप देखते थे कि महिलाओं को उसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। वो एक कहानी किसने गढ़ी थी, धर्म गुरुओं ने। आप समझिए कि धर्म गुरु जिस महिला से पैदा हो रहे हैं वो अछूत है और ये मतलब शुद्ध है, ये कहाँ का नियम लागू होता है? यही आपको देखने को मिलेगा कि कहीं आपने पढ़ा भी होगा कि दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, यानी कि शादी में उसे घोड़े पर नहीं बैठने दिया, ये कहाँ का निर्णय हुआ? आपने ये भी सुना होगा कि महिला मुस्लिमों में भी आपको भेदभाव देखने को मिलेगा कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए महिलाएं नहीं जा सकती, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं? तो ये अभी भी आपको देखने को मिलेगा, कुछ ज्यादा हम बदले नहीं है, ये अलग बात है। देखिए 1947 में आजादी एक तरह से
देश मतलब देश के जो नेता थे उनके हाथ में एक तरह से आ चुकी थी। ये कहना गलत होगा कि 1947 में हम पूरी तरह से आजाद हो चुके थे। हाँ, अंग्रेजों से मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन आजादी की प्रोसेस वहां से चालू हो चुकी थी प्रक्रिया, और धीरे धीरे सभी को आजादी मिलनी शुरू होनी थी। लेकिन बीच में आपने देखा है कि ये कुछ खास प्रभाव नहीं किया है, इसलिए आप देखते हैं कि संविधान में आपको एक तरह से बाध्यता दी गई है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आपने देखा है कई एक्ट भी आए हुए हैं आपकी, अनुसूचित जनजाति 1989 वाला, 1993 वाला, 1955 वाला, जो 1976 में संशोधन भी हुआ, ये सभी इन्हीं भेदभाव को एक तरह से खत्म करने के लिए लाए गए थे। इस प्रकार धार्मिक वर्चस्व को केवल अंतर धार्मिक वर्चस्व के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। यह एक दूसरा सुस्पष्ट रूप यानी धर्म के अंदर वर्चस्व का रूप भी ग्रहण करता है। संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व के सभी रूपों का विरोधी होने के नाते धर्म निरपेक्षता को ना केवल अंतर धार्मिक बल्कि धर्म के अंदरूनी वर्चस्व को भी चुनौती देनी होगी। हमारे पास धर्म निरपेक्षता की आम धारणा मौजूद है। यह ऐसा नियामक सिद्धांत है जो धर्म निरपेक्ष समाज अर्थात अंतर धार्मिक तथा अंतर धार्मिक दोनों तरह के वर्चस्व से रहित समाज बनाना चाहते हैं। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो यह धर्मों के अंदर आजादी तथा विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर समानता को बढ़ावा देता है, और अब तक इस व्यापक ढांचे के अंदर कुछ विशिष्ट और लघुत्तर सवालों पर विचार करते हैं, जैसे कि इन उपदेशों को पूरा करने के लिए किस प्रकार का राज्य सक्षम होगा। दूसरे शब्दों में, अगर हम धर्म निरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध, किसी राज्य को धर्म और धार्मिक समुदाय से कैसे समृद्ध होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, इन राज्यों ने एक तरह से कानून भी ला रहे हैं। कई राज्य आपकी बात भी कर रहे हैं कि मतलब हिमाचल प्रदेश को भी देख लीजिए आप लोग, कि अब अंतर धार्मिक विवाह नहीं कर सकता है कोई, यानी कि आपको शादी भी करनी है किसी धर्म में तो आपको अब सरकार की अनुमति लेनी होगी। समझ रहे हैं आप लोग, ये देखने को मिल रहा है, और कई जगह आपको देखने को मिलता रहता है इस तरह से। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमें मौलिक अधिकारों में ये भी कहा गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है, कोई हस्तक्षेप करता है हमें, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपकी रक्षा करेगा। समझ रहे हैं आप लोग, तो आप बस आपको देखिए अधिकारों के लिए सचेत रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको घर कोई लड़के दे जाए लड़ाई आपकी, लड़ना तो आपको ही पड़ेगा। अब धर्म निरपेक्ष राज्य की अगर बात करें तो धार्मिक भेदभाव रोकने का एक रास्ता यह हो सकता है कि हम आपसी जागरूकता के लिए एक साथ मिलकर काम करें, लोगों की सोच को बदलने में मदद करने के लिए शिक्षा एक उपाय है। साझेदारी और पारस्परिक सहायता के व्यक्तिगत उदाहरण भी विभिन्न समुदायों के बीच पूर्वाग्रह और संदेहों को कम करने में योगदान दे सकते हैं। भयानक सांप्रदायिक दंगों के बीच हिंदुओं द्वारा मुसलमानों को अथवा मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को बचाने की कहानियां पढ़ना हमेशा प्रेरणादायी होता है, लेकिन यह नामुमकिन है कि केवल शिक्षा या भलाई धार्मिक भेदभाव को मिटा दे। आधुनिक समाज में राज्य के हाथों में पिचुर सार्वजनिक शक्ति निहित होती है। राज्य सत्ता जिस प्रकार काम करती है उससे अंतर सामुदायिक टकराव और धार्मिक भेदभाव से अपेक्षाकृत कम ग्रसित समाज की रचना के प्रयासों पर निर्णायक प्रभाव बढ़ता पड़ता ही है, और इस कारण हमें यह देखने की जरूरत है कि धार्मिक टकराव रोकने और धार्मिक समानता को प्रोत्साहन करने के लिए किस किस्म की विरासत आवश्यक है। एक बात आप लोगों ने देखी होगी कि जब कहीं हिंसा होती है इस तरह की, तो भड़काऊ भाषण किसके द्वारा दिए जाते हैं, कोई मेन लीडर होता है, और आप समझिए जनता इस तरह से मतलब उत्साह होता है उसमें कि वो सुनती रहती है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले प्रवासी लोगों के बारे में, जो बाहर से हमारे यहाँ लोग आ चुके हैं उनके बारे में कहा गया, जो एक तरह से बांग्लादेश से हो, फिर चाहे आपके पाकिस्तान से हो या फिर म्यांमार से हो, कि इन्हें हम लोग हिंद महासागर में फेंक देंगे, अरब सागर में फेंक देंगे, तो जनता किस तरह से हुंकार भर रही थी, हम यहाँ निकाल फेंकेंगे। तो याद रखिए, आप समझिए कि अगर आप शिक्षा यानी कि जन्म से लेके अगर बच्चे को इस तरह की शिक्षा देते हैं कि सबका धर्म बराबर है, और एक मुसलमान और हिंदुओं के बराबर एक तरह से मदद की बात कीजिए, उसमें कहानियां डाल दीजिए इस तरह की, तो जिस तरह से आपकी सोच विकसित होगी उसी तरह से आप आगे भी रहते रहेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आप अगर आप भी भेदभाव करते होंगे, क्योंकि आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं,
आप देखते होंगे दलित हो, फिर किसी भी कास्ट का, मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी कोई भी हो, आप बराबर रखते होंगे, आप एक ही थाली में खाना भी खाते होंगे, समझ रहे। और मैंने ये देखा है कि ये भेदभाव होता है वहां जो अनपढ़ होते हैं या ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, और जो अपनी एक तरह से कुछ ना कुछ मतलब की रोटियां सेकने के लिए इस तरह के काम करते हैं। वरना आप समझिए कि अगर कोई सिविल सर्विस अधिकारी जो भी है, तो आप समझिए कि उसका उसके तो फिर सब कोई छू लेता है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, या दलित है, किसी भी कास्ट से। ये देखा है मैंने कई जगह, उसमें मैंने देखा है कि सामान्य जाति के लोग भी उसके पैर छू रहे हैं, वहां तो आपको भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मैन मैं कह सकता हूं कि शिक्षा, और आप कहिए कि इसी का पिछड़ेपन का एक तरह से कारण है। और अधिकतर आप मामले में देखिए बड़े लोग क्या करते हैं, मतलब जो आर्थिक स्थिति से उठ चुके हैं, ऊपर है, अच्छी है आर्थिक स्थिति उनकी, वो किसी भी कास्ट में शादी करते रहते हैं। और गांव में अगर आप देखें, तो आपने अगर शादी किसी कास्ट वाले से भी, अपनी ही कास्ट में अगर किसी और भी, उसमें भी कास्ट बटी रहती है, उससे भी शादी कर ली, तो गांव निकाला हो जाता है। हरियाणा में इस तरह के आपको उदाहरण अभी भी देखने को मिलते रहते हैं, और वैसे भी आप आसपास देखिए इस तरह की व्यवस्थाएं अभी भी गांव में मौजूद हैं। तो मैं, मुझे लगता है कि शिक्षा से कम कहिए आप लोग, तो 80 से 85% समस्याएं खत्म की जा सकती हैं। और जब आपको हकीकत मालूम होगा कि आपका रामायण क्या कहता है, महाभारत क्या कहता है, पुराण क्या कहते हैं, कुरान क्या कहते हैं, जो भी अन्य ग्रंथ है सभी क्या कहते हैं, तो आप लोग सही काम करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, जो आपको लड़ना सिखाता हो, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना सिखाता हो। सब एक दूसरे से बराबर भावना यानी कि सम्मान की बात करते हैं। ये तो हमारे क्या रहते हैं, धर्म गुरु जो रहते हैं, वही परिभाषा गढ़ देते हैं और हमें लड़ा देते हैं। उनकी भी रोटी कैसे चलेगी अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो। एक राष्ट्र को किसी धार्मिक समूह के वर्चस्व को कैसे रोकना चाहिए? सबसे पहले तो राजसत्ता किसी खास धर्म के प्रमुखों द्वारा संचालित नहीं होनी चाहिए। पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र धर्म धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। धर्मतांत्रिक राष्ट्र अपनी श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूहों के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात है। मध्यकालीन यूरोप में पोप की राजसत्ता या फिर हाल के समय में तालिबानी राजसत्ता, जहां धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के बीच अलगाव का अभाव है, इस प्रकार के उदाहरण है। यदि हमारे लिए शांति और स्वतंत्रता और समानता का कोई महत्व है, तो धार्मिक संस्थाओं और राजसत्ता की संस्थाओं के बीच संबंध विच्छेद अवश्य होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात यही है कि आप सोचिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, मान लीजिए कल ऐसा प्रधानमंत्री कोई बन जाए कि एक धर्म को देखे, दूसरे धर्म को वो कुछ ना सोचे, उसके बारे में हमेशा नकारात्मक भावनाएं फैलाता रहे, उसे नीचा दिखाता रहे, तो क्या होगा? आप देखते हैं, देखेंगे कि शांति भंग हो जाएगी एक तरह से। और याद रखिए, एक तरह से सरकार में पुरोहित यानी कि ये मतलब कहने का मतलब है, जो धर्म गुरु हैं, फिर चाहे हिंदुओं के हों, मुस्लिम के हों या किसी भी धर्म के हों, उनका वर्चस्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उनका हस्तक्षेप हुआ तो वो अपने धर्म को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और दूसरे के धर्म को क्या करेंगे, नीचे गिराने की उनकी हर संभव कोशिश यही रहेगी। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि संगठित धर्म और राजसत्ता के बीच संबंध विच्छेदी धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थिति के लिए पर्याप्त है, मगर ऐसा होता नहीं दिखता है। अनेक राज्य धर्मतांत्रिक ना होते हुए भी किसी खास धर्म के साथ घनिष्ठ गठजोड़ बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए 16वीं सदी में इंग्लैंड का राज्य पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित ना होते हुए भी स्पष्ट रूप से आंग्ल चर्च और इसके सदस्यों का पक्ष पोषण करता था। इंग्लैंड में स्थापित आंग्ल चर्च की स्थापित ईसाई धर्म राष्ट्र का आधिकारिक धर्म भी था। आज सुन्नी इस्लाम पाकिस्तान का आधिकारिक राज्य धर्म है। ऐसे शासन तंत्रों के आंतरिक विरोध या धार्मिक समानता की तनिक भी गुंजाइश नहीं होती। सचमुच धर्म निरपेक्ष होने के लिए राजसत्ता को न केवल धर्मतांत्रिक होने से इंकार करना होगा, बल्कि उसे किसी भी धर्म के साथ किसी भी तरह के औपचारिक कानूनी गठजोड़ से परहेज करना होगा, यानी कि दूरी बनाए रखना चाहिए। सबसे धर्म और राजसत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्म निरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है, मगर केवल यही पर्याप्त नहीं है। धर्म निरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए अवश्य प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंशता ही सही है और गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हों। ऐसे लक्ष्यों में शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव, वर्जना से आजादी और साथ ही अंतर धार्मिक या अंता धार्मिक समानता शामिल रहनी चाहिए। आप समझिए कि हिंदू मुस्लिमों को किसने लड़ाया, नेताओं ने। आप समझिए कि इन्होंने अपना काम तो निकाल लिया उसमें,
इनका जो मतलब था वो तो पूरा हो चुका है, लेकिन हम तो आज भी लड़ रहे हैं। वरना आप सोचिए, पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम हमारे यहाँ रहते हैं, और काफी अच्छी स्थिति है उनकी। ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से गलत है, ये भी कहना एक तरह से गलत है। तो हमारे यहाँ काफी उन्हें सम्मान मिलता है, लेकिन कुछ मतलबी नेता आते हैं, वो अपनी वोट बैंक के लिए हमें उन्हें लड़ाते रहते हैं एक तरह से। और ये याद रखिए कि हम क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं, और वो अपना रोटी सेक के निकल जाते हैं, और 5 साल तक उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है, आप मरो चाहे वो मरे। इन लक्ष्यों को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य को संगठित धर्म और इसकी संस्थाओं से कुछ मूल्यों की खातिर अवश्य पृथक रहना चाहिए। बहरहाल यह मानने का कोई कारण नहीं है कि राजनीतिक धर्म निरपेक्षता किसी एक ही रूप में सामने आती है। वास्तव में इस पृथकता के विविध रूप हो सकते हैं, जो इस पर निर्भर है कि यह संबंध विच्छेद किस प्रकार हासिल किया गया है, किन खास मूल्यों को वह बढ़ावा देना चाहता है, और इन मूल्यों को कैसे परिभाषित किया गया है। अब हम ऐसी दो संकल्पनाओं पर विचार करेंगे। एक है मुख्य धारा की पश्चिमी संकल्पना, जिसका सर्वोत्तम नमूना अमेरिका राज प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर आप देखेंगे एक विकल्पित संकल्पना, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण आपको भारतीय राज्य देखने को मिलेगा। यहाँ भी एक पॉइंट दिया गया, ऐसे भी आप लोग वाद विवाद संवाद करते रहिए। अन्य धर्मों के बारे में अधिक जानना बाकी लोगों और उनकी आस्थाओं को सम्मान करना उन्हें स्वीकार करने की ओर पहला कदम है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उन मूल्यों के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं जिन्हें हम आधारभूत मानवीय मूल मानते हैं। बात करते हैं धर्म निरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल देखते हैं। सभी धर्म निरपेक्ष राज्यों में एक चीज सामान्य है, वे ना तो धर्मतांत्रिक हैं और ना ही किसी धर्म की स्थापना ही करते हैं। धर्मतांत्रिक कहने का मतलब उसमें धर्म का कोई अस्तित्व नहीं होता, एक तरह से कोई धर्म गुरु उसे नहीं चला रहे होते हैं। हालांकि सर्वाधिक विचलित संकल्पना में, जो मुख्यतः अमेरिकी मॉडल द्वारा प्रेरित है, धर्म और राजसत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। राजसत्ता धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और इसी प्रकार धर्म राजसत्ता के मामलों में दखल नहीं करेगा। दोनों के अपने अपने अलग अलग क्षेत्र हैं। यानी सीधा सा कह लीजिए कि आपके पिताजी हैं और आप हैं, ना तो आप उनके काम में दखल करते हैं ना वो आपके में, इस तरह से दोनों का यही कर्तव्य है, ठीक है। अलग अलग सीमाएं हैं और राजसत्ताओं की कोई नीति पूर्णता धार्मिक तर्क के आधार पर नहीं हो सकती है। कोई धार्मिक वर्गीकरण किसी सार्वजनिक नीति की बुनियाद नहीं बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वह राज्य सत्ता के मामले में धर्म की अवैध घुसपैठ मानी जाएगी। उसी प्रकार राज्य किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं देगा, वह धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहयोग नहीं दे सकता है। जब तक धार्मिक समुदायों की गतिविधियां देश के कानून द्वारा निर्मित व्यापक सीमा के अंदर होती हैं, वह इन गतिविधियों में व्यवधान नहीं पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई धार्मिक संस्था औरतों की पुरोहित होने को वर्जित करती है तो राजसत्ता इस मामले में कुछ नहीं कर सकता है। अगर कोई धार्मिक समुदाय अपने विभिन्न मतावलंबियों का बहिष्कार करता है तो राज्य इस मामले में मूक दर्शक ही बना रह सकता है। अगर कोई खास धर्म अपने कुछ सदस्यों को मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोकता है तो राज्य के पास मामलों को यथावत बने रहने देने के सिवाय कोई विकल्प नहीं होता है। इस विचार से धर्म एक निजी मामला है, वह राजसत्ता की नीति या फिर कानून का विषय नहीं हो सकता है। और इन्हीं समस्याओं को एक तरह से खत्म करने के लिए आपका सुप्रीम कोर्ट है। आपकी अगर इस तरह से भेदभाव किया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की राय ले सकते हैं, यानी कि सहायता ले सकते हैं। लेकिन आप कहें सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, सरकार बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाली है। ना तो सरकार किसी के धर्म को सहायता करेगी, ना ही कोई अगर संगठन बना रहा है इस तरह का तो उसमें मदद करेगी, ठीक है। लेकिन आप खुद अपनी तरफ से जा सकते हैं। यही मामला तो आपने देखा है केरल में, कि महिलाओं ने अपनी स्थिति देखी और महिलाएं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई, उसके बाद आपने देखा है कि एक तरह से उन्हें निर्णय मिल चुका है। और यह संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है। स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समानता का तात्पर्य है व्यक्तियों के बीच समानता। इनमें यह गुंजाइश नहीं है कि किसी समुदाय को अपनी पसंद का आचरण करने की स्वतंत्रता रहे। समुदाय आधारित अधिकारों अथवा अल्पसंख्यक अधिकारों की कोई गुंजाइश नहीं है। पश्चिमी समाजों का इतिहास बताता है कि ऐसा क्यों है। यहूदियों की उपस्थिति को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश पश्चिमी समाज काफी हद तक धार्मिक रूप से सजातीय थे। स्वाभाविक रूप से इस तथ्य के चलते उनके केंद्र में अंतर्धार्मिक वर्चस्व ही रहता था, जहां अनेक मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को साकार करने के लिए चर्च से राज्य के संबंध विच्छेद पर कड़ाई के साथ बल दिया जाता था। वहीं अंतर्धार्मिक समानता और इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकार के मुद्दे प्रायः उपेक्षित रह जाते थे। अल्पसंख्यक कहने का मतलब सीधा सा है कि आप सोचिए कि 100 व्यक्ति हैं तो उसमें से एक खास वर्ग के 95 व्यक्ति हो गए, 5 व्यक्ति अन्य धर्म के हो गए,
और इनका शोषण भी होता है उस समय, आप देखते होंगे, समझ रहे। आप समझिए कि एक कुत्ता जाता है, या फिर आप समझिए एक बिल्ली है, और उसमें क्या रहता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा 10 कुत्ते हैं तो किसका शोषण करेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप लोग एक पॉइंट दिए गए हैं, कुछ पैराग्राफ इसे भी देखिए। कमाल अता तुर्क की धर्मनिरपेक्षता, आइए हम एक अत्यंत भिन्न किस्म की धर्मनिरपेक्षता पर नजर दौड़ाते हैं। 20वीं सदी के पिथमार्ध में तुर्की में धर्मनिरपेक्षता अमल में आई। यह धर्मनिरपेक्षता संगठित धर्म से सिद्धांतिक दूरी बनाने की वजह धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उसके दमन का हिमायत करती थी। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने इस किस्म की धर्मनिरपेक्षता पेश की और उस पर अमल किया। अतातुर्क प्रथम विश्व युद्ध के बाद सत्ता में आए। वे तुर्की के सार्वजनिक जीवन में खिलाफत को समाप्त कर देने के लिए कटिबद्ध थे। वे मानते थे कि परंपरागत सोच विचार और अभिव्यक्तियों से नाता नाता तोड़े बगैर तुर्की को उसकी दुखद स्थिति से नहीं उभारा जा सकता है। उन्होंने तुर्की को आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए आक्रामक ढंग से कदम बढ़ाए। उन्होंने खुद अपना नाम मुस्तफा कमाल पाशा से बदलकर कमाल आतातुर्क कर लिया था। आतातुर्क का अर्थ होता है तुर्कों का पिता। हैट कानून के जरिए मुसलमानों द्वारा पहनी जाने वाली परंपरागत फैज टोपी को प्रतिबंधित कर दिया गया था। स्त्रियों और पुरुषों के लिए पश्चिमी पोशाकों को बढ़ावा दिया गया था। तुर्की पंचांग की जगह पश्चिमी पंचांग ग्रेगोरियन लाया गया। 1928 में नई तुर्की वर्णमाला को संशोधित लेटिन रूम में अपनाया गया। क्या आप ऐसी धर्मनिरपेक्षता की कल्पना कर सकते हैं जो आपको अपनी पहचान से जुड़ा नाम रखने और आपकी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी ना दे, आपको आपकी बोलचाल की भाषा ही बदल डाले। आपके ख्याल से अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता भारतीय धर्मनिरपेक्षता से किन मायनों में भिन्न है? ये देखिए आप लोग कि हमारे देश में इस तरह के कोई भेदभाव नहीं है। आप कुछ भी कपड़ा पहन सकते हैं। आप देखते होंगे कि महिलाओं को, एक तरह से मुस्लिम महिलाओं को जो भी पहनते हैं, बुरखा पहनते हैं, जो भी पहनते हैं मुंह ढकने का, वो कर सकते हैं। लेकिन कई देशों में आपने देखा होगा प्रतिबंध भी लगाने की बात की गई हो और लगा भी दिया गया है वहां, समझ रहे हैं। कई मुस्लिम राष्ट्रों में आपने देखा है कि महिलाओं को गाड़ी चलाने या खेल में भाग लेने की भी अनुमति नहीं थी, खेल ग्राउंड में जाने की भी अनुमति नहीं थी। हमारे भारत में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। काफी हद तक हम कह सकते हैं कि हम लोकतांत्रिक हैं या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। और जो कमी रह गई है नेताओं की वजह से रह गई है। अगर ये भी अपना धर्म निभा देते तो हम लोग पूरी तरह से एक तरह से धर्मनिरपेक्ष हो सकते थे। इस तरह की धर्मनिरपेक्षता राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। यह विशेषता सीधे तौर पर इस समझ से निकलती है कि राज्य और धर्म के अलगाव के लिए इनका पारस्परिक निषेध जरूरी है। यहाँ ये पॉइंट दिया गया, इसे देखिए। धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू जी ने क्या कहा था, उनके विचार भी देख लीजिए, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तब इन विचारों को आप लोग डाल सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपके हमेशा पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। जब किसी विद्यार्थी ने नेहरू से यह बताने को कहा कि आजाद भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया कि सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण, यानी कि कहने का मतलब है कि आपके पिताजी हैं और माताजी, तो वो सबको समान संरक्षण दें, ऐसा ना कि आपकी सिस्टर और आप में भेदभाव करना शुरू कर दें। वे ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों का की हिफाजत करे, अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी ना करे और खुद किसी धर्म को राज्य धर्म के बतौर स्वीकार ना करे। नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक थे। नेहरू स्वयं स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। ईश्वर में उनका विश्वास ही नहीं था, लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था। इस अर्थ में नेहरू तुर्की के अतातुर्क से काफी भिन्न थे। साथ ही वे धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में भी नहीं थे। उनके विचार के अनुसार समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। जाति भेदभाव, दहेज प्रथा और सती प्रथा की समाप्ति के लिए कानून बनवाने और देश की महिलाओं को कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता मुहैया कराने में नेहरू ने खुद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई लोग कहते थे कि आप सोचिए कि उन आजादी से पहले कि महिलाओं को एक तरह से हम वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए, आप सोचिए एक तरह से आप चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक तरह से इन नेहरू, फिर चाहे गांधी साहब, उन्हीं का योगदान रहा है कि जिसके कारण ये सभी निचली जाति हो, अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, बेरोजगार, अशिक्षित हो, सबको वोट देने का अधिकार दिलाया है उन्हीं ने। अनेक मामलों में भी लचीला होने के तत्पर रहते थे, मगर एक चीज ऐसी थी जिस पर वे हमेशा दृढ़ और समझौताहीन बने रहे। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता मतलब था कि तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध।
बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता की आलोचना में भी खास तौर पर कठोरता बरतते थे, क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता पर खतरा उत्पन्न होता है और उनके लिए धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत का मामला बन नहीं था। वह भारत की एकता और अखंडता की एकमात्र गारंटी भी था। आप लोग खुद देख के देख लीजिए, इसीलिए आप लोगों ने देखा है कि आपकी बायोग्राफी सभी लोगों की कब्र करवा दी गई। अशोक, बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर चाहे आपके जैन धर्म के महावीर स्वामी हो, वहां से लेकर आज तक के प्रधानमंत्रियों की, अभी तक के करंट में जो भी है और जो भी चर्चा में रहते हैं, उनकी हमने बायोग्राफी कवर की है। इसलिए की है कि कम से कम आपको पता तो होना चाहिए। आप एक गलत कहना है, आप देखते होंगे एक पार्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा की बात करता है, एक दूसरा गांधी की विचारधारा की बात करता है। इन दोनों पार्टियों का उनकी विचारधारा से दूर दूर तक आपको कोई लेना देना नहीं मिलेगा। ऐसा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कभी नहीं कहा है कि धर्म किसी एक धर्म के समूह को आप लोग लेके चलिए, दूसरे धर्म को नीचा दिखाइए। गांधी जी ने भी ऐसा नहीं कहा, समझ रहे हैं? हजार मतभेद होंगे, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू और आप समझिए सरदार वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अम्बेडकर के साथ मत, लेकिन उनका एक तरह से भेदभाव करना कहीं दिखाई नहीं देगा आपको। इसलिए आप देखते हैं कि 1947 में जब नेहरू की कैबिनेट बनाई गई, तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी स्थान दिया गया, उसमें भीमराव अंबेडकर साहब को भी स्थान दिया गया, लेकिन इन तीनों में मतभेद हुआ करते थे कई मामलों को लेकर। तो उस समय के राजनेताओं में, इस समय के राजनेताओं में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आज की राजनेताओं से आप उनकी तुलना करते हैं, तो उन नेताओं को एक तरह से नीचा दिखा रहे होते हैं आप लोग, क्योंकि इनकी औकात इतनी नहीं है कि आप उनसे तुलना कर सकें एक तरह से। और किसी भी को देख लीजिए आप लोग, कोई वो सब जिस विचारधारा की बात करता है, क्या उस विचारधारा पर चल रहा है? दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ये अपनी केवल रोटी सेक रहे हैं राजनीति की। अगर हम भारतीय मॉडल की बात करें धर्मनिरपेक्षता का, तो कभी कभी यह कहा जाता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है, लेकिन अपने संविधान को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती, अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस पर और भी विस्तार के साथ सोच विचार करेंगे। फ्रांसीसी सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं में पगड़ी जैसे धार्मिक विधि धारण करने पर रोक लगा दी थी। क्या तुम्हें उस निर्णय के बारे में कुछ हुई गर्माहट बहस याद है? हाँ, मुझे याद है। आश्चर्यजनक है कि फ्रांस और भारत दोनों ही धर्म निरपेक्ष राज्य हैं, लेकिन भारत में सार्वजनिक संस्थाओं में इस तरह के धार्मिक विधि धारण करने या फिर दिखाने पर कोई रोक टोक नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे कि सिखों का भी ध्यान रखा जाता है, मुस्लिमों का भी ध्यान रखा जाता है। और ये अलग बात है कि हमारे राज्य सरकारें कई बार नेता इस तरह की रोट उन्हें परेशान करते रहते हैं। ऐसा इसलिए है कि धर्मनिरपेक्षता के विचार को किस तरह से भारत में देखा गया है, वह फ्रांस के तरीके से भिन्न है, यानी कि भिन्न है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कोई भी चीज विशिष्ट बनाती है। सर्वप्रथम तो आप देखेंगे गहरी धार्मिक विविधता के संदर्भ में उदित हुआ था, और यह विविधता पश्चिमी आधुनिक विचारों और राष्ट्रवाद के आगमन से पहले की चीज है। भारत में पहले से ही आप देखेंगे अंतर धार्मिक सहिष्णुता की संस्कृति मौजूद थी। आप फिर चाहे प्राचीन काल से ही देख बढ़ते रहिए, मध्यकालीन भारत में आप जाइए, अकबर को आप देखिए, कई शासक हुए उस समय की वो भेदभाव करते रहे, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाते रहे, लेकिन अधिकतर शासकों में आपको देखने को मिलेगा दूर दूर तक ऐसा कोई इनमें विरोध देखने को नहीं मिला। अशोक के समय आप देखिए, प्राचीन काल की बात कर रहा हूं, उस समय अशोक ने कहा कि सबके धर्मों का एक तरह से सम्मान करिए, नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, पशुओं के साथ, आपने देखा है पशु चिकित्सालय भी बनवाए गए अशोक के द्वारा। बहरहाल हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सहिष्णुता धार्मिक वर्चस्व का विरोधी नहीं है। हो सकता है कि सहिष्णुता में हर किसी को कुछ मौका मिल जाए, लेकिन ऐसी आजादी प्रायः सीमित होती है। इसके अलावा सहिष्णुता हम में उन लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा करती है जिन्हें हम बिल्कुल नापसंद करते हैं, या उस समाज के लिए भी भारी गुण है जो किसी बड़े गृह युद्ध से उभर रहा हो, मगर शांति के समय नहीं, जब लोग समान मान मर्यादा के लिए संघर्ष कर रहे हो। पश्चिमी आधुनिकता के आगमन ने भारतीय चिंतन में अब तक उपेक्षित और हाशिए पर रही समानता की अवधारणा को सतह पर ला दिया है, और उसने इस धारणा को धारदार बनाया है और हमें समुदाय के अंदर समानता पर बल देने की ओर अग्रसर किया है। उसने हमारे समाज में मौजूद श्रेणीबद्ध को बद्धता को हटाने के लिए अंतर समुदाय समानता के विचार को भी उद्घाटित किया है। इस तरह भारतीय समाज में पहले से मौजूद धार्मिक विविधता और पश्चिम से आए विचारों के विरुद्ध अंतःक्रिया शुरू हुई है, जिसके फलस्वरूप भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने विशिष्ट रूप ग्रहण किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व पर
एक साथ ध्यान भी केंद्रित किया है। इसमें हिंदुओं के अंदर दलितों महिलाओं के उत्पीड़न, भारतीय मुसलमानों अथवा ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव, या फिर देखेंगे बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों का समान रूप से विरोध भी किया है। इस प्रकार यह मुख्य धारा की पश्चिमी धर्म निरपेक्षता से इसकी पहली महत्वपूर्ण भिन्नता है। आप सोचिए, एक बार सोच सकते हैं आप लोग कि संविधान ना होता हमारे पास, हमारे अधिकार ना होते हमारे पास, तो क्या होता? और ये हकीकत हो जाती, मुझे लगता है कि जब हम 1947 में आजाद हो रहे थे तो कई राष्ट्रों द्वारा कहा गया कि वो कि भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे। मैंने बताया है अभी पहली भी कि आप देखते होंगे 564-565 रियासतें थी आपके पास, और सभी एक तरह से अलग अलग देश बनने की चाहत रखती थी। लास्ट तक आप देखते हैं भोपाल की देख लीजिए, फिर चाहे आप देखते होंगे जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, लास्ट तक अपने एक तरह से कहते रहे कि हमें अलग राष्ट्र देश बनना है। और ये हकीकत हो जाता, अगर आप सोचिए अभी भी अगर आप भेदभाव होता तो अलग अलग धर्म अलग अलग राष्ट्र का निर्माण करने की बात करते। लेकिन हमारे यहाँ देखते हैं हर वर्ग, हर समूह, हर जाति के लोग रहते हैं फिर भी एक रहते हैं, क्योंकि संविधान में सबकी सबका विश्वास है, सब उसका सम्मान करते हैं, उन्हें भरोसा है कि अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद करेगा या हाई कोर्ट हमारी मदद करेगा। आप सोचिए इस मदद की दूर दूर तक कोई अपेक्षा ना होती तो क्या होता? इसी से जुड़ी दूसरी भिन्नता यह है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आजादी से ही नहीं अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आजादी से भी है, और इसके अंतर्गत हर आदमी को अपनी पसंद का धार्मिक मानने का अधिकार, धर्म मानने का अधिकार है। इसी प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी अपनी खुद की संस्कृति और शैक्षणिक संस्थाएं कायम रखने का अधिकार है। इसलिए आप देखते होंगे कि आर्टिकल 29-30 इन्हीं से संबंधित है अल्पसंख्यकों की। तीसरी भिन्नता भी है, चूंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य को अंतरधार्मिक वर्चस्व के मसले पर भी समान रूप से चिंतित रहना है, अतः भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी है और अनुकूलता भी है। इसलिए भारतीय संविधान ने अस्पष्टता का पर प्रतिबंध लगाया, आर्टिकल 17 की बात कर रहा हूँ। भारतीय राज्य ने बाल विवाह उन्मूलन और अंतर जातीय विवाह पर हिंदू धर्म के द्वारा लगाए नए निषेध को खत्म करने हेतु अनेक कानून भी बनाए हुए हैं, जो हिंदुओं के द्वारा एक तरह से कानून लाए गए थे कि अंतर जातीय विवाह नहीं कर सकते आप लोग मुस्लिमों के द्वारा, उसे भी खत्म करने के लिए कई कानून आपके आए हैं। बहरहाल प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या कोई राज्य सुधारों की पहल या समर्थन करते हुए धर्म निरपेक्ष बना रह सकता है? क्या धर्म और राज्य के बीच दूसरी तरह से संबंध विच्छेद के बिना भी कोई राजसत्ता धर्म निरपेक्ष होने का दावा कर सकती है? भारतीय राज्य का धर्म निरपेक्ष चरित्र वस्तुतः इसी वजह से बरकरार है कि वह ना तो धर्मतांत्रिक है और ना ही वह किसी धर्म को राज्य धर्म मानता है, और इसके परे इसने धार्मिक समानता हासिल करने के लिए अत्यंत परिष्कृत नीति अपनाई है। इसी नीति के चलते वह अमेरिकी शैली में धर्म से विलग भी हो सकता है और या जरूरत पड़ने पर उसके साथ संबंध भी बना सकता है। जरूरत उस समय कैसी है, सही गलत क्या है, उसे देखते हुए ऐसा कर सकते हैं। भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। यह बात अस्पष्टता पर प्रतिबंध जैसी कार्यवाहियों में झलकती भी है। वह जुड़ाव की सकारात्मक विधि भी चुन सकती है। इसलिए भारतीय संविधान तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी अपनी खुद की शिक्षण संस्थाएं खोलने और चलाने का अधिकार देता है, जिन्हें राजसत्ता की ओर से सहायता भी मिल सकती है। शांति और स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राजसत्ता ने तमाम जटिल रणनीतियां अपना सकती है। देखिए एक बात और हमेशा रखिए, आपके मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं तो ये भी नहीं कह सकते कि अपवाद भी उसमें कुछ कई जुड़ चुके हैं। आप देखेंगे कि महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है, दल ST ST के आरक्षण की बात की गई है, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनकी स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। मैंने बताया था कि आपको आप कहीं भी जा रहे हैं, मान लीजिए आप बस में जा रहे हैं, उसमें महिलाओं के लिए एक तरह से अलग सीट आरक्षित है, एक तरह से आप कहिए कि बुजुर्ग लोगों के लिए भी आरक्षित है, विकलांगों के लिए, तो उसके तहत ये नहीं कह सकते कि मेरे समानता का अधिकार एक तरह से हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाए, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाएं। वहां उस व्यक्ति की आपको स्थिति का देखना होगा कि क्या स्थिति है उसकी। अब तक यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भारतीय धर्म निरपेक्षता की यह जटिलता सर्वधर्म संभव के मुहावरे में क्या क्यों समाहित नहीं हो सकती है? अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या फिर अंतर्धार्मिक सहिष्णुता है तो इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अथवा सहिष्णुता में से काफी आगे तक जाता है, और हमारी विदेश नीति में भी आपको ये सब देखने को मिलते होंगे। अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों के प्रति सम्मान की
समान भावना है, तो इसमें एक अस्पष्टता जिसे स्पष्ट करना जरूरी है। भारतीय धर्म निरपेक्षता तमाम धर्मों में राजसत्ता के सिद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति देती है। ऐसा हस्तक्षेप हर धर्म के कुछ खास पहलुओं की प्रति असम्मान प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, धर्म के स्तर पर मान्य जातिगत विभाजन भारतीय धर्म निरपेक्षता के अंतर्गत स्वीकार नहीं हो सकता है। धर्म निरपेक्ष राज्य के लिए जरूरी नहीं है कि धर्म के हर पहलू को वह एक जैसा समान करे, या संगठित धर्मों के कुछ पहलुओं के प्रति एक जैसा समान दर्शाने की अनुमति भी देता है। क्या धर्म निरपेक्षता नीचे लिखी बातों के संगत है? अल्पसंख्यक समुदाय को तीर्थ यात्रा को आर्थिक अनुदान देना, सरकारी कार्यालयों में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करना। आप देखते होंगे अल्पसंख्यकों के लिए कई बार इस तरह का तीर्थ यात्रा अनुदान भी दिया जाता है सरकार के द्वारा, सरकारी कार्यालयों में। ये गलत है, धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करना। आओ कुछ करके सीखें। बॉम्बे एक गर्म हवा या फिर इस विषय से जुड़ी कोई फिल्म देखें। इन फिल्मों में धर्मनिरपेक्षता के किन आदर्शों को दिखाया गया है? भीष्म साहनी के उपन्यास तमस्या राही मासूम रजा के आधा गांव को पढ़े। एक बात और आपको यहाँ बता दूं कि देखिए, आपको अपना एक तरह से स्कूल खोलने की आजादी है, समझ रहे हैं आप लोग, लेकिन उसमें अगर आप सरकार की मदद लेते हैं, सरकार से कुछ सहायता लेते हैं, तो वहां आप अपने धर्म को के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। वहां आपके सभी बच्चों को ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है? मैं जैसे मैं हूँ, और मैं अपने मतलब कोई स्कूल खोलता हूँ तो मैं अपनी जात के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि हमारा खुद पैसा लगा रहा है। वहां कोई भी इस तरह की मतलब हमारा विरोध नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे सरकार पूरी तरह से मान्यता दिए हुए और पैसा दे रही है, तब हम इस तरह का भेदभाव कर रहा हूँ तो मतलब हमें सजा भी हो सकती है और प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है हमारे स्कूल पर, ठीक है? भारतीय धर्म निरपेक्षता की आलोचनाओं की बात करें, आलोचना किस कारण होती है हमारी धर्म निरपेक्षता की, तो भारतीय धर्म निरपेक्षता तीखी आलोचनाओं का विषय बन रही है। ये आलोचनाएं क्या है? क्या हम धर्म निरपेक्षता को उनसे बचा नहीं सकते? धर्म विरोधी। पहला, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि धर्म निरपेक्षता धर्म विरोधी है। हम शायद यह दिखा पाने में सफल हुए हैं कि धर्म निरपेक्षता संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है या धर्म विरोधी होने का पर्याय नहीं है। उसी प्रकार कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि धर्म निरपेक्षता धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है, लेकिन हमने पहले ही देखा देखा है कि धर्म निरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देती है। अतएव यह धार्मिक पहचान पर खतरा पैदा करने की बजाय उसकी हिफाजत करती है। बेशक वह धार्मिक पहचान के मतान हिंसक, दुरागई, औरों का बहिष्कार करने वाली और अन्य धर्मों के प्रति घृणा उत्पन्न करने वाले रूपों पर अवश्य चोट करती है। वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि किस चीज पर चोट की जाए या नहीं, बल्कि यह है कि जिस पर प्रहार किया जा रहा है वह मूल रूप से उसे योग्य है भी या नहीं है। पश्चिम से आयातित दूसरी आलोचना यह है कि धर्म निरपेक्षता ईसाई से जुड़ी हुई है, अर्थात यह पश्चिमी चीज है और इसलिए भारतीय स्थितियों के लिए अनुपयुक्त है। पहली नजर में यह एक विचित्र शिकायत है, क्योंकि पतलून से लेकर इंटरनेट और संसदीय लोकतंत्र तक आज भारत में लाखों चीजें प्रचलन में हैं जिनकी जड़ें पश्चिम में हैं। इसलिए पहला जवाब तो यही हो सकता है कि ऐसा है भी तो क्या हुआ? क्या आपने किसी यूरोपियन को शिकायत करते सुना है कि शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था, अतः वे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? एक बात और आपको बताऊं, देखिए, हमने संविधान, कई लोग कहते हैं कि हमारा संविधान उधार का थैला है, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते। देखिए, जो हमें जरूरी लगे, हमने ऐसे हैं कि देखिए हमने हर देश से कुछ ना कुछ लिया है, यानी कि प्रभावित है, मतलब हमारा संविधान उनसे मिलता जुलता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ज्यों कहते हैं हम लोगों ने अपने संविधान में सम्मिलित कर लिए वहां से प्रावधान। हम लोगों ने क्या किया कि हमें जो अच्छाइयां लगी उन्हें हमने अपने संविधान में सम्मिलित किया है। और आप समझिए कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने सभी देशों के संविधान की एक तरह से पढ़ा, उसे समझा, उसके बाद उन्होंने इस तरह की बात की है। वही है कि आप समझिए कि आप में भी कुछ कमियां होंगी, हमें भी कुछ कमियां होंगी, सामने वाले में कुछ अच्छाइयां भी हो सकती हैं, हमें भी कुछ अच्छाइयां हो सकती हैं, आप में भी। तो हमारे यहाँ कर्तव्य रहता है और हमारे लिए यही सही है कि हम उन अच्छाइयों को उससे सीखें और अपने आप में फॉलो करें अपने आप, ठीक है? तो यही हम लोगों ने किया भी है। बहरहाल, एक किस्में छिछला जवाब होगा। अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बात यह है कि सचमुच धर्म निरपेक्ष होने के लिए किसी राष्ट्र का अपना खुद का लक्ष्य होना चाहिए। पश्चिमी राज्य तब धर्म निरपेक्ष बने जब एक महत्वपूर्ण स्तर पर उन्होंने ईसाई से संबंध विच्छेद यानी कि अलग कर लिया। पश्चिमी धर्म निरपेक्षता में वैसी कोई हिदायत ईसाइयत नहीं है, फिर इस दावे का क्या मतलब है कि यह पश्चिमी है? धर्म और राज्य का पारस्परिक निषेध, जिसे पश्चिमी धर्म निरपेक्ष समाजों का आदर्श माना जाता है, सभी धर्म निरपेक्ष राजसत्ता की प्रमुख विशेषता भी नहीं है।
संबंध विच्छेद के विचार की व्याख्या अलग अलग तरह से की जा सकती है। कोई धर्म निरपेक्ष राजसत्ता समुदायों के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए धर्म में सैद्धांतिक दूरी बनाए रख सकती है, खास समुदाय की रक्षा के लिए हुआ है उसमें हस्तक्षेप भी कर सकती है। भारत में ठीक यही बात हुई है, यहाँ ऐसे धर्म निरपेक्षता विकसित हुई है जो ना तो पूरी तरह ईसाइयत से जुड़ी है, ना ही भारतीय जमीन पर सीधा सीधी पश्चिमी आरोपण ही है। तत्व तो यह है कि धर्म निरपेक्षता का विगत इतिहास पश्चिमी और गैर पश्चिमी दोनों मार्गों का अनुसरण करता दिखता है। पश्चिम में धर्म और राज्य के संबंध विच्छेद का सवाल केंद्रीय था, भारत जैसे देशों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सवाल महत्वपूर्ण रहे। और ये बात हम लोग अगर कोई कहे कि हम भारत ने किसी दूसरे देश से ली है तो आप भी जवाब दे सकते हैं। हमारे पास देखिए आप लोग, हम तो आज राजनीति की बात करते हैं, कौटिल्य साहब को देखिए आप लोग, उसी समय उन्होंने एक तरह से आप राजनीति अपनी शुरू कर दी थी और राजनीति के एक तरह से चाणक्य कहे जाते हैं वो लोग, समझ रहे हैं आप लोग। अल्पसंख्यकवाद की बात करें तो तीसरी आलोचना के तौर पर धर्म निरपेक्षता पर अल्पसंख्यकवाद का आरोप मढ़ा जाता है। यह सच है कि भारतीय धर्म निरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह न्यायोचित है। आप कल्पना कीजिए, चार वयस्क पुरुष सबसे तेज चलने वाली गाड़ी में सफर कर रहे हैं, बीच में ही एक यात्री सिगरेट पीने की इच्छा व्यक्त करता है, दूसरा यात्री शिकायत करता है कि वह सिगरेट का धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकता है, अन्य दो यात्री भी धूमपान करते हैं मगर वे कुछ बोलते नहीं है। साफ तौर पर कम से कम दो यात्रियों के बीच तो टकराव अवश्य है। एक विचार आया कि मतदान के जरिए इससे हल किया जाए। सिगरेट पीने वाले दो खामोशी यात्री उस वैष्णी का साथ देते हैं जो धूमपान ना करने वालों वाला दो मतों के अंतर से हार जाता है। यहाँ अल्पसंख्यक पराजित होता जाता है मगर नतीजा तो उचित प्रतीत होता है क्योंकि आम सहमति से उचित लोकतांत्रिक रीति अपनाई गई है। आप समझिए, ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आप देखेंगे कि सत्य का दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो, तो वहां आप क्या कर सकते हैं। तो आपको इस तरह की भावनाओं को रखना होगा। आप समझिए कि महिलाओं की स्थिति को आपको ध्यान में रखना होगा, नीचे जाति ST ST की स्थिति को आपको याद रखना होगा, भली कोई विरोध कर रहा हो। यही आपने देख लिया कि सिगरेट गलत चीज है लेकिन और समझ भी रहे हैं वो लोग, लेकिन फिर भी मतदान किसके पक्ष में कर रहे हैं, सही के, मतलब उसके धूमपान वाले। और आप सोचिए उसका पीड़ित रहेगा जो धूमपान नहीं करता है, उस पर एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है। अब स्थिति को थोड़ा बदल लें, कल्पना करें कि सिगरेट ना पीने वाली यात्री दमे से पीड़ित है और धूमपान से उसे जानलेवा दौरा पड़ सकता है, और उसकी इस बात से कि दूसरा यात्री धूमपान ना करे उसका बुनियादी और बहुत जरूरी हित व्यक्त होता है। क्या बहुमत के फैसले को सही मानने वाली पहली पद्धति ऐसे संदर्भ में जायज मानी जा सकती है? क्या आप मानते हैं कि उस वैष्णी यात्री को तब तक सिगरेट नहीं पीनी चाहिए जब तक कि गाड़ी अपने गंतव्य पर ना पहुंच जाए? आप सहमत होंगे कि जहां बुनियादी हितों का प्रश्न हो वहां लोकतांत्रिक पद्धति के तौर पर मतदान उपयुक्त नहीं होता है। अपने महत्वपूर्ण हितों की पूर्ति किसी व्यक्ति का प्राथमिक अधिकार होती है। जो व्यक्तियों के लिए सही है वह समुदाय के लिए भी सही होगा। अल्पसंख्यकों के सर्वाधिक मौलिक हितों की क्षति नहीं होनी चाहिए और संविधानिक कानूनों द्वारा उनकी हिफाजत की जानी चाहिए। भारतीय संविधान में ठीक इसी तरह के से इस पर विचार भी किया गया है। जिस हद तक अल्पसंख्यकों के अधिकार उनके मौलिक हितों की रक्षा करते हैं इस हद तक वे जायज भी रहते हैं। कई सरकारों ने अपना ख्याल भी रखा है, महिलाओं के लिए आप देखते होंगे आरक्षण की व्यवस्था की गई, राजनीति में ST ST के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मेरा ख्याल है कि हर किसी के साथ हर स्थिति में बिल्कुल एक तरह से बर्ताव करना उचित नहीं होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग फिर भी कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकार ऐसे विशेष अधिकार हैं जिसके लिए दूसरों को कीमत चुकानी पड़ती है, तब ऐसे में विशेष अधिकार क्यों दिए जाए। एक अनुदाहरण से इसका जवाब बहुत अच्छी तरह से दिया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि किसी प्रेक्षागृह के पहले तल्ले पर कोई फिल्म दिखाई जा रही है, वहां सीढ़ियों के जरिए पहुंचा जा सकता है। टिकट खरीदने और सीढ़ी पर चढ़ने और फिल्म देखने की सबको इजाजत है, लेकिन क्या ऐसा सचमुच है कि आप कोई हर कोई ऐसा करने को स्वतंत्र है? कल्पना कीजिए कि उन लालायित दर्शकों में कुछ वृद्ध लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका हाल ही में टांग टूटी है और कुछ अन्य शारीरिक रोग से अक्षम है, तो उनमें से कोई भी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता है। क्या आपको ख्याल से लिफ्ट अथवा व्हील चेयर पर बैठे लोगों की ढालनुमा सीढ़ी या लिफ्ट की व्यवस्था करना गलत होगा? ऐसा करने से वे लोग भी वही चीज पा सकते हैं जो दूसरों लोग सहज की पीढ़ियां चढ़कर प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्या वाले समूह को पहले तल्ले पर जाने के लिए भिन्न सुविधा की जरूरत है। अगर पूरी जगह ऐसा निर्माण किया जाए तो केवल युवा और सक्षम लोगों के लिए ही उपयुक्त हो, तो लोगों के कुछ खास हिस्से फिल्म देखने जैसे लाभों से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे और उनके लिए अलग व्यवस्था उनके साथ विशेष बर्ताव नहीं है, और उनके लिए वह है या वैसे ही सम्मान और गरिमा
से भरा बर्ताव है जैसा दूसरों के साथ किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अल्पसंख्यक अधिकारों को विशेष सुविधाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे आप देख सकते हैं स्टीफन हॉकिंस के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, आप समझिए अगर उन्हें भी इस तरह का भेदभाव किया जाता तो वो एक तरह से कहाँ रह जाते। आपने देखा कहाँ पहुंच चुके हैं वो। आज भी आप देखते हैं गांव में अगर कोई विकलांग है, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो विकलांग ही बन के रह जाता है, वहीं तक सीमित रह जाता है उसकी जिंदगी। आप समझिए उसे अगर शिक्षा दी जाती, स्वास्थ्य की व्यवस्था दी जाती बेहतर, तो मुझे लगता है वो भी स्टीफन हॉकिंस से जैसा काम कर सकता था। आप देखिए बैंक में एक तरह से महिलाओं के लिए अलग लाइन की व्यवस्था होती है, आप देखेंगे कि बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था होती है, उनकी स्थिति का ध्यान रखा जा रहा है, समझ रहे हैं। तो कई जगह आप लोगों के अधिकारों का हनन भी होते हुए देखने को मिलेगा, वहां आप सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी स्थिति को आपको देखना होगा। अतिशय हस्तक्षेपवादी चौथी आलोचना कहती है कि धर्मनिरपेक्षता उत्पीड़नकारी और समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता में अतिशय हस्तक्षेप करती है। यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में गलत समझ है। यह सच है कि पारस्परिक निषेध के तौर पर धर्म और राज्य के संबंध विच्छेद के विचार को ना मानकर भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म में हस्तक्षेप को अस्वीकार कर देती है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अतिशय हस्तक्षेपकारी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म से सैद्धांतिक दूरी कायम रखने पर चलती है, जो हस्तक्षेप की गुंजाइश भी बनाती है। इसके अतिरिक्त हस्तक्षेप का मतलब अपने आप में उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होता है। यह बिल्कुल सही है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता समर्पित धार्मिक सुधार की इजाजत देती है, लेकिन इसे ऊपर से आरोपित किए गए बदलाव या उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप के समान नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन यह आपत्ति की ही जा सकती है कि यह हमेशा ऐसा होता है कि फिर विभिन्न धर्मों के निजी कानूनों में सुधार अभी तक क्यों नहीं हुआ है। भारतीय राज्य के समक्ष ही यह बड़ी दुविधा भी है। एक धर्मनिरपेक्षवादी निजी कानून को संविधान द्वारा संरक्षित समुदाय विशेष के अधिकारों के रूप में देख सकता है, वह इन कानूनों का विरोध भी कर सकता है क्योंकि ये महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देते और इसलिए अन्यायपूर्ण है। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांतों का तिरस्कार करते हैं। इन्हें अंतरधार्मिक वर्चस्व से स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति भी समझा जा सकता है, धार्मिक वर्चस्व की मिसाइल देती है। एक बात और ये याद रखिए आप लोग कि भले देखिए राज्य सरकार या सरकारें क्या रहती हैं कि बंधी रहती हैं, एक तरह से उन्हें अपनी जिंदगी देखनी पड़ती है राजनेताओं को, लेकिन आपके पास कोई इस तरह का प्रतिबंध नहीं होता है। अगर आपसे किसी धर्म में भेदभाव किया जा रहा है तो आप तो अपने अधिकारों के प्रति सचेत रह सकते हैं, आप तो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, है? और इसके लिए आपके पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी न्यायालय बनाया गया आपको कि आप उसके पास जाइए। ऐसी आंतरिक टकराव किसी जटिल सिद्धांत के स्वाभाविक अंग होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा हमारे साथ बने रहे। ये कानून अलग अलग धर्मों में विवाह, उत्तराधिकार और अन्य पारिवारिक मामलों को संचालित करती है। निजी कानून को इस तरह से सुधारा जा सकता है कि वे अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ साथ पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबरी की मिसाल बने रहे। ऐसे सुधार बलपूर्वक या अराजकता के जरिए नहीं लाए जा सकते, लेकिन राज्य से पूरी दूरी बनाए रखने की नीति भी नहीं अपना सकती है। राजसत्ता को हर धर्म के अंदर उदारवादी और लोकतांत्रिक आवाज का समर्थन करने के जरिए मददगार की भूमिका निभानी होगी। अब बात करते हैं वोट बैंक की राजनीति, सबसे महत्वपूर्ण कारण। पांचवा तर्क दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। अनुभवजन्य दावे के तौर पर पूर्णतः असत्य भी नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को ठोस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। प्रथमतः लोकतंत्र में राजनेताओं के लिए वोट पाना जरूरी है या उनके काम कांग है, और लोकतांत्रिक राजनीति बड़ी हद तक ऐसी ही है कि लोगों के किसी समूह के पीछे लगने या उनका वोट पाने की खातिर कोई नीति बनाने का दावा वादा करने के लिए राजनेताओं को दोष देना उचित नहीं होगा। असली सवाल तो यह है कि वे ठीक ठीक किस मकसद से वोट पाना चाहते हैं, और इसमें सिर्फ उन्हीं का हित है या फिर विचाराधीन समूह का भी है। यदि किसी राजनेता को वोट देने वाला समूह उसके द्वारा बनवाई नीति से लाभान्वित नहीं हुआ है तो बेशक वह राजनेता दोषी होगा। यदि अल्पसंख्यकों का वोट चाहने वाले धर्मनिरपेक्ष राजनेता इसकी उनकी इच्छा पूरी करने में समर्थ होते हैं तो वह उस धर्मनिरपेक्ष परियोजना की सफलता होगी जो आखिरकार अल्पसंख्यकों के हितों की भी हिफाजत करती है। और यही आप लोगों ने कारण रहे हैं कि आपने देखा होगा कि क्षेत्रीय पार्टियों का उभर कर आना यही कारण है। अगर कोई व्यक्ति विचाराधीन समूह का कल्याण अन्य समूह के कल्याण और अधिकारों की कीमत पर करना चाहे तब क्या होगा। यदि ये धर्मनिरपेक्ष राजनेता बहुसंख्यकों के हितों को नुकसान पहुंचाए तब क्या हुआ, तब एक नया न्याय पैदा हुआ। लेकिन क्या आप ऐसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? एक दो नहीं बल्कि ऐसे ढेर सारे उदाहरण, ताकि आप दावा कर सकें कि पूरा राजनीतिक तंत्र अल्पसंख्यकों
अल्पसंख्यकों के पक्ष में झुका हुआ है। अगर खूब सोचें तभी आप संभवतः यही पाएंगे कि भारत में ऐसा हुआ है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। संक्षेप में, वोट बैंक की राजनीति खुद में इतनी गलत चीज नहीं है। गलत तो वोट बैंक की वैसी राजनीति है जो अन्याय को जन्म देती है। महज यह तथ्य है कि धर्मनिरपेक्ष दल वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं, कष्टकारक नहीं। भारत में हर समुदाय के संदर्भ में सभी दल ऐसा करते भी है। फिर आपका एक असंभव परियोजना, अंतिम अनुवाद आलोचना का यह हो सकता है कि धर्मनिरपेक्षता नहीं चल सकती है क्योंकि यह बहुत कुछ करना चाहती है। यह ऐसी समस्या का हल ढूंढना चाहती है जिसका समाधान है ही नहीं। यह समस्या आखिर है क्या? यही कि गहरे धार्मिक मतभेद वाले लोग कभी भी शांति से एक साथ नहीं रह सकते हैं। हमारे अनुभव बताते हैं कि यह दावा गलत है। भारतीय सभ्यता तक का इतिहास देखिए और आज भी आप लोग देख के देखिए, इस तरह साथ साथ रहना बिल्कुल संभव है। अन्यत्र भी ऐसा हुआ है, ऑटोमन साम्राज्य इसकी प्रेरणादायी उदाहरण है। लेकिन अब आलोचक कह सकते हैं कि सहस्तित्व वस्तुतः असमानता की स्थितियों में भी मैं ही संभव था। श्रेणीबद्ध आधारित प्रणाली में हर कोई जगह पा सकता था। उनका दावा है कि आज ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि आप समानता लगातार प्रभावी सांस्कृतिक मूल बनती जा रही है। हमारे देश में भी तो आप देखते हैं, कई धर्म हैं, कई समुदाय हैं, फिर भी एक रह रहे हैं, अपने धर्म को मान रहे हैं। इस आलोचना का जवाब दूसरी तरह से दिया जा सकता है। एक असंभव परियोजना का अनुसरण वर्ण भारतीय धर्म निरपेक्षता भविष्य की दुनिया पर प्रतिबंध प्रस्तुत करती है। भारत में महान प्रयोग किए जा सकते हैं जा रहा है जिसे समूची दुनिया बहुत पैनी निगाह और बड़े चाव से देख रही है। ऐसा कहना कठिन है, कहना ठीक ही है कि अतीत में उपनिवेश रहे देशों से लोग अब पश्चिम के मुल्कों में आप्रवास कर रहे हैं। वैश्वीकरण में तेजी आने के साथ पूरे विश्व में लोगों की गतिशीलता अभूतपूर्व ढंग से बढ़ी है। यूरोप, अमेरिका तथा मध्य पूर्व के कुछ हिस्से अब धर्म और संस्कृति विविधता के लिहाज से भारत जैसा दिखने लगे। ये समाज भारतीय प्रयोग के भविष्य का गहरी रुचि के साथ अवलोकन कर रहे हैं। आपने देखा होगा हाल ही में अभी अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, उसमें आपने देखा है वो भारतीय मूल की है। आप समझिए कि क्या है, अभी भी आपको देखने को मिलेगा कई देशों में भारतीय लोग राजनीति भी कर रहे हैं, और अधिकतर लोग हमारे यहाँ हमारे कई देशों में आपको देखने को मिल जाए, हर देश में। फिर चाहे आप देखिए मुस्लिम देश, अब इनमें मुस्लिम देशों में देख लीजिए, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, कहीं भी देख लीजिए आप लोग, जापान, सब जगह हमारे लोग देखने को मिलेंगे आप लोगों को। और ये लोग वहां जाएंगे तो आप सोचिए कि अपनी संस्कृति को भी तो साथ ले जाएंगे, वही इसी संस्कृति का आदान प्रदान होता रहेगा, उनकी संस्कृति हमारे पास, हमारी संस्कृति उनके पास। तो यही तो हुआ है प्राचीन काल से ही। देखिए जो शासक हमारे यहाँ आए वो भी कुछ हमें लेकर आए, कुछ हम भी उन्हें हमारे यहाँ से लेके गए। अंग्रेजों ने, आपने देखा होगा कि अंग्रेज भी हमें कुछ देके गए, वो लेके भी गए, तो दोनों हैं इसमें। भारत में राजपत्रित अवकाशों की सूची को ध्यान में से पढ़ें, क्या यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण प्रस्तुत करती है? तट प्रस्तुत करें। अवकाश का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, इन्हें भी आप लोग याद रख लीजिए, थोड़ा मतलब कह रहा हूं कि वैसे भी याद रहना चाहिए। महाशिवरात्रि 4 मार्च को, होली 21 मार्च, महावीर जयंती 17 अप्रैल, गुड फ्राइडे 19 अप्रैल, बुद्ध पूर्णिमा 18 मई, ईद उल फितर ये आपकी 5 जून, और ईद उल अजहा बकरीद बकरीद अगस्त 12, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, जन्माष्टमी अगस्त 24 अगस्त, मुर्रम ये सितंबर 10 सितंबर, महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर। आप लोग नीचे बताइए कि एक और व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, वो कौन थे? दशहरा, विजयदशमी, अक्टूबर 10, दिवाली अक्टूबर 20, 27, ईद ए मिलादुन नबी, पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्म 10 नवंबर, गुरु नानक जयंती 12 नवंबर, क्रिसमस ये दिसंबर 25। ठीक है, तो इन्हें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है, बस एक सामान्य जानकारी के लिए कि सबकी भावनाओं का ध्यान रखा जाता है, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, कोई भी हो, जैन का, तो उनके जो भी पर्व रहते हैं उस पर छुट्टी भी दी जाती है और सम्मान भी किया जाता है। और यही सम्मान एक तरह से हमें जोड़े रखा हुआ है। अगर यही भेदभाव हो रहा होता तो देश हकीकत में कई हिस्सों में बट जाता। इसी चैप्टर से संबंधित ये आपके क्वेश्चंस भी दिए गए, इन्हें भी आप लोग देखते रहिएगा। और ये आपका था धर्म निरपेक्षता, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए अगले, अगला टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, शांति। ये शांति होती क्या है, इसके बारे में हम लोग बड़े विस्तार से पढ़ेंगे।